आज हम दही पनीर की रेसिपी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैन में तेल गरम कर लेंगे। और इसमें एक चम्मच बटर मिलाएंगे। अब इसमें कुछ गरम मसाले मिलाकर इसमें प्याज को फ्राई करने के लिए छोड़ लेंगे। और प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज के गोल्डन फ्राई होते ही इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे और एक बड़ा टमाटर मिलाएंगे और सब चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। उसके थोड़े से फ्राई होते ही अब इसमें सूखे मसाले मिलाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हल्दी, स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। अब इसमें जीरा पाउडर एक चम्मच और धनिया पाउडर एक चम्मच और सारे सूखे मसाले मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी देकर मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और मसाले को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए और इसमें से तेल ना निकलने लगे। मसालों के अच्छे से फ्राई होते ही इसमें 2 से 3 चम्मच दही मिलाएंगे और इसे लगातार मिलाते रहेंगे। दही जब अच्छे से मसालों में मिक्स हो जाए तब इसमें पनीर के पीसेस मिलाएंगे। पनीर के पीसेस मिलाने के बाद इसे धीरे से चारों तरफ मसालों में कोटिंग कर लेंगे। और पनीर को मसालों में ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी पनीर भी मसालों में अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमारी दही वाली पनीर की सब्जी बनकर तैयार है।